के साथ कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता है, अच्छा खासा इंसान जो है बीमार हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे शाम को मैंने जल्दी से अभी सब्ज़ी काट ली है और यहाँ पे टमाटर जो है कट करके मम्मी ने पहले से ही टिफ़िन में रखा हुआ था, क्योंकि जो मम्मी है ना वो दाने वाली चीज़ें नहीं खाती है जिसके अंदर बीज टाइप के रहते हैं। तो वही मम्मी ने टमाटर के बीज निकाल के अलग से रखे हुए थे और फिर टमाटर जो है काट के रखा हुआ था। मैंने खाली बैंगन और आलू कट किया है, प्याज भी मम्मी ने एक से दो दानी मतलब काट के अलग से फ्रिज में रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था कढ़ाई में, जीरा डाला है, जख्या डाला है, थोड़ा सा धनिया, सारा कुछ डाल के और प्याज डाल के अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही थी। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं अभी काफ़ी टाइम से यहाँ पे मायके में ही हूँ और छुट्टियों में आ गई थी मैं, 10 या 12 तारीख में यहाँ पे आ गई थी। तो मेरा जाना ही हो रहा था लेकिन क्या करें, हालात को ये मंजूर नहीं था, तो मुझे अभी कुछ दिन और यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पापा है ना उनकी जो तबीयत है ना वो सीरियस हो चुकी है और अभी उन्हें जो है हिमालयन हॉस्पिटल है यहीं पर नज़दीक पर, वहाँ पर जो है इन्हें भर्ती करा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इनके साथ काफ़ी दिक्कतें हो रही है, तो घर में खाना वाना बनाने के लिए कोई तो चाहिए। तो फिर मैंने जो है रुकने का जो है डिसाइड कर लिया था, वरना मैं सोच रही थी कि बच्चों के जो स्कूल है ना वो 3 तारीख से खुलने वाले हैं, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं चली जाऊंगी थोड़ा साफ़ सफ़ाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद कमरा रहता है तो सफ़ाई करनी पड़ती है, पानी वानी भरना पड़ता है। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ दिन अभी यहाँ पर और रहना पड़ेगा। तो मैंने सब्ज़ी जो है किचन में डाल दी थी और ये देखिए अभी धूप भी पूरी तरह गई नहीं है, अभी 7:15 का ही टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मम्मी की कॉल आई थी कि खाना वाना बना के रख दे और हम आएंगे तो खाना खाएंगे, फिर उन्होंने वापस जाना है हॉस्पिटल में देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े दिन में धोए थे ना तो उनकी मैं तह लगा रही थी, क्योंकि आजकल जो मौसम है वो है बरसात का मौसम और बरसात में ना कभी धूप हो रही है कभी बारिश हो रही है, ना कपड़े सूख पा रहे हैं ना ही कुछ काम हो पा रहा है। तो मैंने अभी 3 बजे के लगभग ही ये कपड़े जो है बाहर डाले थे, तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी, बस उन्हीं के ही चक्कर में, क्योंकि फ़ोन भी मैं लगी हुई थी करने के लिए कि पापा की तबीयत कैसी है और उन्हें जो है बेड वेड मिला है या कैसा है, बस वही दिन भर लगी हुई थी। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी यहाँ पे जो है बन चुकी थी, तो सब्ज़ी मैंने बंद कर दी थी, गैस वैस बंद कर दिया था। तो अभी यहाँ पे मैं फिर आटा वाटा निकाल दूँगी, क्योंकि कपड़े मैंने तय लगा के अंदर रख दिए थे। उसके बाद मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई थी, उससे पहले मैंने बच्चों को चाय वाय पिला के उन्हें किनारे कर दिया था। मैंने कहा बच्चों फिर अभी परेशान मत करो, क्योंकि ये रहता ना दिमाग में काफ़ी उलझने रहती है ना, तो इंसान का दिमाग फिर वहीं रहता है और थोड़ा सा भी हल्ला हो जाए ना फिर दिमाग को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आटा निकाल के आटा गूंथ लूँगी, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ रहा था कि रोटियां बना के रख देना, भाई जैसे ही आएगा खा के फिर उसे दोबारा जाना है, तो चिंता रहती है कहीं ना कहीं दिमाग में कि हाँ वो आएगा खाना खाएगा, तो अपनी मतलब तरफ से तैयारी पूरी करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आटा पहले का बचा हुआ था, कुछ मैंने अभी गूंथ लिया था, सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। पापा की तबीयत तो वैसे काफ़ी दिनों से ख़राब थी, लेकिन मैंने वीडियो में बताया नहीं, क्योंकि हमने सोचा पहले कि छोटी मोटी ही बीमारी है वैसे ही कट जाएगी, लेकिन हालात को पता नहीं क्या मंजूर थे। काफ़ी दिन हो गए थे, 12 तारीख में यहाँ पे आ गई थी, तो उस टाइम से वो बता रहे थे कि हल्का हल्का उनको पेन हो रहा था यूरिन वाली जगह पर, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा बहुत ही होगा शायद ठीक हो जाए, लेकिन अब जैसे ही महीना लास्ट हो चुका है यानी कि जून का महीना लास्ट हो चुका है, वैसे वैसे जो दर्द है ना वो ज़्यादा बढ़ता गया, तो हमसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भाई भी आया हुआ था घर, उसने बोला कि एक बार दिखा लेते हैं कहीं वो वापस चला जाएगा, तो फिर कौन दिखाएगा, साथ में कोई नहीं है, हमारे साथ भी छोटे बच्चे हैं, मम्मी के बस का भी अकेला नहीं है, तो इस कारण से तो मेरा भाई जो है छुट्टियाँ भी आ रखा था, क्योंकि हमारा मकान का भी काम चल रहा है, मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो इस कारण से जो है सारे काम एक ही टाइम पर हो चुके हैं। क्या करें, हाल किस्मत को या भगवान को जो मंजूर रहता है ना वही होता है, हमारे बस में ना कुछ नहीं होता है, बस हम बोल सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी आ गया था, देख रहा था कि खाना वाना बन गया है, तो बस मेरी रोटियां ही रह गई थी, बाकी तो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था।
और अभी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। तो रात में मैंने उतना ही शूट किया था और यहाँ पे सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे। उसके बाद फिर नींद भी कहाँ आई ढंग से, दिमाग में वही लगा रहा, भाई पापा का ही ध्यान रहा। तो सुबह देखा तो मौसम ये देखिए इस तरह से घिरा हुआ था, लग रहा था कि अभी एकदम से स्टार्ट होने वाली है बारिश। तो फिर मैं यहाँ पर फटाफट से पहले किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे ना जल्दी में ब्रेकफास्ट बनाना था, मुझे भी आज पापा को मिलने जाना था। मेरा ना बहुत मन था कि मैं एक बार पापा को देख लूँ, होता है ना इंसान अगर मिलता जुलता रहे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं वो ही कर रही थी, मैंने कहा मैं फटाफट से नाश्ता बना लूँगी। तो अभी मैंने बच्चे नहीं उठाए हैं और मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं। तो सुबह झाड़ू वाड़ू लगाया था, उसके बाद तुरंत यहीं पर आ गई थी मैं और मैंने आटा अभी गूँथा है कुछ जो है। जब घर में कोई बीमार रहता है ना और बीमार के साथ साथ अगर वो एडमिट हो ना हॉस्पिटल में, तो बहुत ज़्यादा जो है काम बढ़ जाता है। लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं और अच्छे से घर वापस आ जाएं, और पूरा ध्यान ना हमारा वहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, मैंने कहा बच्चों को भी उठा लूँगी और उन्हें भी आज सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी नाश्ता खिला दूँगी और अपने आप भी खा के थोड़ा अपनी सिस्टर के साथ में चली जाऊँगी मिलने के लिए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी पापा को मिलके, क्योंकि जब घर में रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, चाहे वो घर में ही है तो मतलब दिख तो रहे हैं, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। आजकल घर जो है बहुत ही सुन टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने उठा दिया था, उनको भी ब्रेकफास्ट दे दिया था, तो वो टीवी देखते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने भी अपने लिए 2 पराठे सब्जी ले ली थी, मन तो नहीं कर रहा था पर क्या करें, शरीर में जब खाना डालो ना तभी एनर्जी भी आती है। और यहाँ पर मैं फिर हो गई थी, अभी यहाँ पे हम दोनों बहनें जा रहे थे पापा को मिलने के लिए। तो भाई वापस आएगा तो थोड़ी देर मेरी सिस्टर वहाँ पे रह जाएगी क्योंकि मैंने तो बच्चे भी देखने हैं। और मिष्टी ना काफ़ी ज़िद कर रही थी जाने के लिए, लेकिन मैंने उसे रोता हुआ वैसे ही घर पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे कुछ सामान मंगाया था आंसू ने, मेरे भाई ने, तो कुछ सेवलॉन की बोतलें थी, तो 2-4 सामान थे जो कि मेडिकल से लेना था, तो वही हम लोग अभी यहाँ पर ले रहे थे। ये देखिए ये है वो हॉस्पिटल हिमालयन। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि वीडियो शूट करने पे प्रतिबंध है, तो मैंने थोड़ा नॉर्मल ही थोड़ा सा मैंने क्लिप दिखा दी थी। जब तक रीना पार्किंग में लगाने गई हुई थी ना, तो तब तक मैंने 1-2 क्लिप ले ली थी। उसके बाद पापा को मिले थे क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था मोबाइल वगैरह चलाना, तो मैंने फिर सीधे नीचे की तरफ शूट किया था। जब हम घर आ रहे थे ना वापस, तो वहाँ पर मैंने 1-2 क्लिप ले ली थी। तो मेरा भाई भी साथ में है, अब हम दोनों वापस जा रहे हैं कमरे की तरफ क्योंकि पापा को हम मिल लिए थे, थोड़ा बहुत देख लिया था, बहुत खुशी हुई मिलके कि अच्छा लगा, पापा को भी बहुत अच्छा लगा मुझसे मिलके। पापा एकदम ऐसा देख रहे थे ना जैसे कि मतलब काफ़ी दिन से देख रहे हों। तो थोड़ी देर रहे थे, बैठे थे, पूछा था क्या खाया है खाना। तो इसके बाद फिर मेरा भाई और मैं हम वापस अपने कमरे की तरफ वापस आ रहे थे। फिर घर में कई काम देखने हैं, फिर दिन की तैयारी भी करनी है, बच्चों के साथ भी रहना है। और घर आने के बाद सीधे मैं आई हूँ, तो यहाँ पे टंकी लगी हुई थी, तो पहले मैंने सबसे पहले हाथ मुंह धो लिया है क्योंकि हॉस्पिटल से आए थे और मैं नहा के नहीं गई थी। मैंने कहा हॉस्पिटल से आएंगे उसके बाद ही नहाना धोना होगा, बच्चों को भी नहलाएंगे, तो सीधे मैं टंकी में ही आई थी। मैंने कहा सीधे बच्चों के मुँह में कहाँ जाना है, तो हाथ मुँह धो लिया था। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं नहाई हूँ, बच्चों को नहलाया है, कपड़े धोए हैं और अभी मशीन लगानी है, ड्रायर करने हैं कपड़े। तो अंदर मैंने मोटर चलाई हुई है और मौसम देखिए अभी अभी कैसा हो गया है, ये देखिए अभी यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ पे वाइट हो रहा होगा। ये देखिए बारिश की जो बूंदें हैं ना वो पड़ने लग गई है और मौसम आज ऐसे ही है, सुबह थोड़ा रुक गया था फिर बारिश होने लग गई है। मैंने आज बाल नहीं धोए हैं, तो पापा को मिल के आए थे, पापा की जो तबीयत है वो भी ठीक भी क्या बोले, अभी ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है सैटरडे के दिन, तो अभी हम इसी तरह से मिलने जुलने जाया करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी मेरा भाई और मम्मी चली गई है, मैं अभी घर में रहूँगी, दिन का खाना वाना बनाऊँगी, बच्चों की केयर करूँगी क्योंकि एक आदमी तो बच्चों के लिए भी चाहिए होता है ना दिन में।
तो बस मेरी बहन वहाँ पे रह गई थी, उसके बाद मैं वापस आ गई थी अपने भाई के साथ। फिर मैंने बच्चों को नहलाया, सारे काम निपटाए अभी तक घर के, और अभी मुझे करना है ड्रायर। सुबह ऐसे ही जल्दी में चले गए थे सारा काम धाम छोड़ के, ओनली नाश्ता ही खा के गए थे, तो अभी सारा काम करने जा रही हूँ। तो कपड़े मैंने हाथ से ही धो लिए थे, अब मुझे खाली ड्रायर करने हैं, क्योंकि जो मौसम है ना वो फिर ख़राब हो गया था। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि मौसम ठीक था, साफ़ सुथरा था, लेकिन अभी जो है बारिश पड़ने लग गई है। तो यहाँ पर जो है मम्मी के जो कपड़े हैं ना वो भी बाहर में डाले हुए हैं, तो जगह बिल्कुल नहीं थी। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिए अभी मौसम कैसा बदल गया है। तो आजकल का जो मौसम है वो ऐसा ही है, एकदम बारिश हो रही, एकदम धूप हो रहा है। और ये देखिए मम्मी सारे कपड़े जो है धो के चली गई थी, नहा के भी गई थी, कपड़े वपड़े सारे तार में डाल के गई थी। तो मैंने कहा मैं कहाँ डालूँ, तो मैंने कहा मैं ड्रायर कर देती हूँ, ड्रायर करने के बाद फिर चाहे मैं कुर्सियों में फैला दूँगी, चाहे धूप आ जाएगी बाद में, ऐसा ही करूँगी, क्या करना, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद मैंने सारे कपड़े जो है मशीन में डाल दिए थे, और ड्रायर कपड़े रहे ना तो ये है कि थोड़ी देर में धूप आ भी जाए तो थोड़ा ये कि तार में सुखाने डाल सकते हैं, नहीं तो गीले कपड़े जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। तो बस मैं वही यहाँ पर कर रही हूँ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।